यदि कोई भी छात्र या छात्रा अपने स्वप्न में देखता है कि उसका परीक्षा फल प्रकाशित हो चुका है और उसे अपने अंकों को भी उस स्वप्न में देख लेता है, तो यह बात पक्की है कि उसका रिजल्ट भी ठीक उसी तरीके से होगा जैसा कि उसने अपने स्वप्न में देखा था। मित्रों, आप जानते हैं कि सामान्य रूप से विशिष्ट सूचनाएं हमें हमारे सपनों के द्वारा मिलती हैं, क्योंकि यह भावलोक से संबंध होता है। लेकिन यदि हम चाहें तो अपनी पात्रता को बढ़ाकर आराधना एवं साधना के दम पर स्वप्न सिद्धि के माध्यम से अनेक दृश्यों को देख और जान सकते हैं। बार बार अपने स्वप्न में फटी हुई धरती को देखना और नगर को अग्नि की लपटों में घिरा हुआ देखना, यह इस बात का सूचक है कि सामूहिक रूप से विपत्ति आने वाली है। महाजनपद विध्वंस की सूचना लेकर के यह स्वप्न आता है। फलतः इस स्वप्न को पूरी आंतरिक तपस्विता और इच्छा शक्ति से पूरे समाज की जिम्मेवारी है कि वह यज्ञ कर्म के माध्यम से इस बुरे परिणाम को देने वाले स्वप्नों का निराकरण अवश्य कर लें, जिससे कि सामूहिक रूप से विपत्ति का नाश हो सके। सपने तो मनुष्य की आंतरिक तपस्विता एवं इच्छा शक्ति से प्रेरित होकर मार्गदर्शन करने का तत्व भी बन जाते हैं। मित्रों, स्वप्न के माध्यम से पूर्व जन्म की भी कुछ बातों को जाना जा सकता है। यद्यपि यह कार्य बहुत ही कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। भारतीय स्वप्न विद्या आध्यात्मिक साधना में सुगमता लाने के लिए प्रयुक्त होती रही है और इसका उल्लेख कई प्रकार के ग्रंथों से प्राप्त किया जा सकता है। मित्रों, स्वप्न के माध्यम से सृष्टि के रहस्यों को जानने का प्रयास भारतीय ऋषि मुनि और आचार्यों ने किया है। सामान्य रूप से यदि कहा जाए तो स्वप्न लोक की तरह यह दृश्य लोक भी क्षणभंगुर ही है। इससे स्वप्न का मिथ्या भाव सिद्ध होता है। रस्सी को सर्प का भ्रम कहा जा सकता है, तो स्वप्न में भिखारी का राजा होना भी मात्र भ्रम ही है। परंतु स्वप्न में आदेश मानकर आपने देखा होगा कि राजा हरिश्चंद्र द्वारा अपने राज्य का दान, स्वप्न में अर्जुन द्वारा पाशुपास्त्र की दीक्षा प्राप्त करना आदि ऐसे उदाहरण हमारी संस्कृति में देखने को मिलते हैं। त्रिजटा नाम की जो राक्षसी थी, उसने भी अपने स्वप्न में अपूर्व प्रमाण दे करके श्री हनुमान जी महाराज के लंका कांड का बृहद वर्णन किया। ऐसे ही तमाम प्रकार के उदाहरण से हमारा शास्त्र भरा हुआ है। यदि स्वप्न उत्पत्ति के कारणों के ऊपर विचार किया जाए तो आचार्यों ने स्वप्न के 9 कारण बताए हैं। श्रुत यानी कि सुन करके स्वप्न का आना, अनुभूत यानी अपने अनुभव के ऊपर आधारित कोई स्वप्न आना, दृष्ट यानी कि कोई दृश्य को देख करके स्वप्न का आना, चिंता मन में यदि किसी प्रकार का चिंता भाव हो तो उससे संबंधित स्वप्न आते हैं, प्रकृति स्वभाव जैसा कि आपकी प्रकृति है, जैसा आपका स्वभाव है उस स्वभाव के अनुसार भी आपको स्वप्न आते रहते हैं, विकृति यदि आपके शरीर के भीतर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो तो भी उससे संबंधित स्वप्न आपको आ सकते हैं, देव देव अर्थात देवताओं से संबंधित स्वप्न आपको आ सकते हैं, देवताओं की जो इच्छा होती है, देवताएं अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए आपको हमें स्वप्न जरूर दिखाते हैं, पुण्य और हमारे जन्म जन्मांतर के संचित संस्कार और पुण्य के प्रभाव से हमें स्वप्न दिखाई देते हैं, और आखिरी है पाप, जितने भी प्रकार के पाप कर्म ज्ञात अज्ञात हमसे होते आए हैं उस आधार पर भी हमको स्वप्न दिखाई देते हैं। दैवीय आदेश वाले स्वप्न केवल उसी व्यक्ति को मिलते हैं जिसके शरीर में किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता, अर्थात जो व्यक्ति वात पित्त और कफ इन त्रिदोषों से मुक्त रहता है और जिसके हृदय में राग द्वेष ऐसी भावनाएं नहीं रहती है। तो इसके लिए हमारे आचार्यों ने बताया है कि हमें ग्रहों का जाप करना चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र के जप करने से रक्षा होती है। मित्रों, मैं हूं विमल और
आप देख रहे हैं वैदिक प्राकृतिक जीवन। वैदिक प्राकृतिक जीवन के स्वप्न सीरीज की इस वीडियो में सारे के सारे प्रामाणिक जानकारी आपके लिए उपलब्ध कराने के लिए हमारी टीम लगी रहती है। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक शेयर कमेंट करना तो कदापि मत भूलिए। बाबा शिव का दर्शन अवश्य कर लेना चाहिए और इन बुरे प्रभाव देने वाले सपनों का किस तरह से निराकरण हो उसके लिए किसी गरीब व्यक्ति को पेट भर भोजन अवश्य करा दें जितना आपका सामर्थ्य हो। और साथ ही ओम नमः शिवाय या फिर राम रक्षा स्त्रोत इसका पाठ करना चाहिए, जो कोमल हृदय को धारण करने वाले परम पवित्र मनुष्य होते हैं उनको दैवी कृपा से स्वप्न दिखाई देते हैं। तो अपने सपनों का सम्मान करिए और उसको देखते रहिए, उसके पीछे के विज्ञान को जानने का प्रयास करिए। अपनी पूरी टीम की तरफ से मैं आपको नमन करता हूँ, सादर प्रणाम स्वीकार करें। महादेव कल्याण करें। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।